भारतीय वुमेन ने फाइट देने की कोशिश तो की मुंबई के मैदान में, लेकिन जीत नहीं पाई। इंग्लैंड वुमेन ने पहले मुकाबले को अपने नाम किया, जहां पर भारतीय वुमेन ने ही टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड ने उसको धराशायी किया, क्योंकि भारत ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन अंत में जाते जाते 197 रन के टोटल तक इंग्लैंड वुमेन को पहुंचने दिया और वो एक हार का सबक बना, क्योंकि ये पिच थी 150-160 की और वो चला गया कहीं 200 के लगभग। तो वहाँ पर आप गलती किए, आपने बीच में आपने गंदी गेंदबाजी भी की, आप पे कुछ पैतरे काम आए नहीं और बनाया नेट बंट ने भी 53 बॉल में 77 बनाया। डी वैथ ने भी तो 47 बॉल में 75 रन की पारी हमने खेलने दी, 23 रन एमी ने बना दिया, तो बचा ही क्या था, पहुँच गया इतना बड़ा टोटल। तो रेणुका सिंह ने तभी भी 3 विकेट अटकाई, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देती नजर आई, बाकी सब महंगे नजर आए। और बताएं आपको भारतीय वुमेन की जवाई बल्लेबाजी, तो शिपाली वर्मा 52 रन की उन्होंने एक पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 26 बनाया, जिनेमा रॉड्रिक्स तो 4 रन बनाकर आउट हुई और स्मृति मानधना भी कुछ कर नहीं पाई, 6 रन बनाकर वो भी आउट हुई। ऋचा घोष ने 21 बनाया, तो अंबुजा ने 15, पूजा वास्तेकर ने 11 गेंदों में 11 और दीप्ति शर्मा ने 3 गेंदों में 3। बताएं आपको सोफी इकोस्लाइन ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लटका दी, एक एक विकेट तो नेट्स ये भी बर्न के खाते में भी थी, फेरिया के खाते में भी और गेंद के खाते में भी एक नज़र आ गई। तो और नेट्स बर्न इन ये प्लेयर ऑफ द मैच का इनको अवार्ड मिल गया और ये तरीके से 1-0 से इंग्लैंड वुमेन ये श्रृंखला में हो गई है आगे। अभी आप देख रहे हैं, अगर आप पूरे चलो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।